माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे लद्दाख में इंडियन एयर फोर्स के माउंटेन रडार को लेकर। बदलते समय के साथ विश्व का हर देश अपनी रक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाया है। आज डिफेंस फोर्स में सिर्फ युद्ध कौशल ही नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी तवज्जो रखती है। हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने भारतीय वायुसेना के पर्वतीय रडार को लद्दाख में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये योजना लंबे समय से चर्चा में थी और आखिरकार अब लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड एयर टू ग्राउंड फायरिंग रेंज की स्थापना की जाएगी, जो कि भारत चीन की सीमा पर युद्ध की तत्परता को सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में NBWL ने लद्दाख में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य से 3.16 हेक्टेयर भूमि को भारतीय वायुसेना के पर्वतीय रडार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। ये रडार एयरफोर्स बेस के एकदम पास में होगा, जो 500 हेक्टेयर भूमि चांगथांग सेंचुरी में आएगा और इसे पिछले साल ही हरी झंडी दे दी गई थी। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में ऐसे संकेत दिए थे कि चाइना के साथ बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए LAC पर 10,000 करोड़ रुपए के रडार की तैनाती की जाएगी, जिनमें से अधिकांश स्वदेशी होंगे। इन माउंटेन रडार को शामिल करने के पीछे बड़ी सुरक्षा योजना है। ये रडार सिस्टम LAC के पास सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। वहीं चीन भी क्षेत्र में मजबूत रडार कवरेज रखता है, जिसके कारण ये योजना और भी महत्वपूर्ण लगती है। लद्दाख में चांगथांग सेंचुरी के पास बन रहे नए एयर बेस का निर्माण कई तरह से भारतीय वायुसेना के लिए कारगर साबित होगा। ये LAC के पास और करीब से मिशन ऑपरेट करने में मदद करेगा, जिससे चीन की घातक रणनीति का जवाब भारतीय सेना आसानी से दे सकेगी। इससे पहले इंडियन एयर फोर्स के पास लद्दाख एयरबेस एकमात्र साधन था जिससे ऑपरेशंस किए जाते थे। सन 1960 में फुक्चे में एयर फोर्स द्वारा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड फैसिलिटीज विकसित की गई थी। LAC के पास चाइना आए दिन भारत के लिए तनाव पैदा करते रहता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर सिस्टम होना भारतीय डिफेंस फोर्स के लिए एकमात्र विकल्प है। इस नए एयर बेस के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में और कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। आपको बता दें, भारत चीन सीमा के पास दो प्रमुख सड़कों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें खलसर अघम रोड और टी सालू चांग चेमो रोड का निर्माण शामिल है। ये रोड सेना के लिए लॉजिस्टिक पाथवे के रूप में काम करती है, जिसके तहत लद्दाख के बॉर्डर के पास के गांव को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इन सभी परियोजनाओं का लगभग एक ही मुख्य मकसद है कि चीन से सटी भारतीय सीमा को मजबूत बनाया जा सके, ताकि भारतीय सेना चीन का डटकर मुकाबला कर सकेगी। बीते समय में ऐसा देखा गया है कि चीन LAC के पास तेजी से निर्माण कार्य शुरू कर रहा है। इस सिलसिले में भारत की ये सभी योजनाएं चाइना को करारा जवाब दे रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।